आपका नाम? जी बबलू पांडे। आप कहाँ के रहने वाले हैं? जी मैं ग्राम बरंगा पोस्ट सैयद राजा तहसील सकलडी यहाँ परगना बड़ोल जिला चंदौली का मूल निवासी हूँ। किस मुद्दे को लेकर आज आपने पत्रकार वार्ता की है? जी मेरे गांव में जिला जेल के नाम पे 37 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। जी कैसे कह सकते हैं कि 37 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है? जी मेरे पास कुछ कागजात है, जैसे मैं उच्च न्यायालय के द्वारा जिस जमीन का अधिग्रहण किया है जिला जेल के नाम पे, वो उक्त भूमि पहले ही से जो है उच्च न्यायालय में विचाराधीन है, जिसका कि ये सन 2007 में आदेश हुआ था। ये है मेरे पास और ये मुकदमा का जो है फोटोकॉपी। किन लोगों द्वारा अवैध कब्जा कराया गया था जमीन पे? गांव के बहुत से लोग हैं दबंग जिनके द्वारा ये कब्जा हुआ था। पहले जमीन पे कुछ था या फिर? जी पहले से ही ये ताल के नाम पे है, जिसपे उच्च न्यायालय द्वारा जो है सन 2007 में प्रज्ञा राम मिश्र डीएम थे, उनको उच्च न्यायालय के द्वारा जो है आदेश हुआ कि इस भूमि को भूमाफियाओं को नोटिस जारी करें और उस जमीन को पुनः ताल जो है घोषित किया जाए, जबकि आज लगभग 10 साल से इसको दबा दिया गया और उसके बाद इस जमीन का खरीद बिक्री हो रहा है। तो आप कहना चाहते हैं कि फर्जी तरीके से जमीन की बिक्री और खरीद फरोख्त की जाए? जी जी। आपने इस बारे में जिलाधिकारी या किसी भी अधिकारी से संपर्क किया? जी संपर्क किया पर हमको उसका कोई उत्तर नहीं मिला। मतलब आपने अधिकारी के पास आप गए लेकिन फिर भी इस बाबत अधिकारी? जी नहीं कोई जी नहीं। आपने जमीन पे आरटीआई लगाई थी? जी उसका हमको कोई उत्तर नहीं मिला। आरटीआई लगाने के बाद भी आपको कोई आंसर नहीं? जी नहीं। आप क्या चाहते हैं सरकार से अधिकारी से क्या कहना? हम यही चाहते हैं कि सीबीआई इसमें जांच हो और इसमें जो है डीएम से लेके तहसीलदार से लेके कानूनगो से लेके लेखपाल से लेके सभी लोग इस पैसे में जो है सम्मिलित हैं और जबरदस्त घोटाला हुआ है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ और मेरे पास कुछ कापियाँ हैं प्रूफ के रूप में। क्या आपके पास क्या क्या कॉपियाँ हैं? जो विचाराधीन में है उसका कापी है मेरे पास, और जब 2007 में माननीय प्रज्ञा राम मिश्र के द्वारा काश्तकारों को जो नोटिस जारी हुआ था वो मेरे पास है। आपने जब आप कह रहे हैं कि मामला विचाराधीन है तो आपने क्या हाई कोर्ट में या फिर न्यायालय में इस मामले को लेकर कोई? जी नहीं, मैं इसी नोटिस के जरिए जो है इसका मैंने फोटो कॉपी निकाला तो पता चला कि ये आज भी जो है विचाराधीन में है उच्च न्यायालय में। तो आपने आपत्ति नहीं लगाई इस पर? जी आपत्ति लगाए लेकिन इसका कोई हमको रिजल्ट नहीं मिला। आपके पास कोई भी अधिकारी नहीं सुन रहा डीएम? जी नहीं कोई नहीं। इसी तरह खलिहान का भी मेरे गांव में मैटर है। जी क्या मैटर है आपके खलिहान? मेरे खलिहान का मैटर यह है कि एक मिनट सर, मेरे पास कुछ कापी है। मैं करीब 4-5 महीना पहले जो है जनसूचना के माध्यम से खलिहान पे मैंने कुछ मैं वो मांगा था जो है आरटीआई, जिस पे जो है माननीय तहसीलदार द्वारा दिया गया कि मैं पढ़ के सुना दूँ विधिवत। सूचना का अधिकार अधिनियम सन 2000 के बाबत प्रार्थी बबलू कुमार पांडे सन गंगाधर पांडे निवासी ग्राम बरंगा परगना बड़वल तहसील सकलडिया जनपद चंदौली का मूल निवासी हूँ। प्रार्थी द्वारा ग्राम बरंगा में स्थित खलिहान के बाबत निम्न लिखित बिंदुओं पर सूचना मांगी है जो निम्नलिखित है। अतिक्रमणकर्ता के नाम दुलारे सिंह, हरिद्वार सिंह, मूरत सिंह, छोटे लाल, महंगू, बलदेव, मुराहू, रामलगन, कमला, सीरी, रामलाल, दलीप, पंचम और सुरेश बाड़ू, धर्मराज, आराजी नंबर 641 में अतिक्रमणकर्ता के नाम खरपत, बसंतु, सचिन, फेकना देवी, लच्छू, कलावती सन 2000 में की गई। हाँ तीसरा, बेदखली की कार्रवाई के बाद खलिहान की भूमि से अवैध कब्जेदारों को नहीं हटाया गया है। ये मेरे पास जन सूचना का दिया हुआ वो प्रतिलिपि है और पेपर में भी एक गजट हुआ था, उसका पेपर का भी जो है मेरे पास हुआ है यह है, जिसमें माननीय उप जिलाधिकारी द्वारा टीम बनाकर बोला गया कि 15 जनवरी तक 13 गांव चिन्हित करके
खाली करा दिया जाएगा। आज तक जो है कोई गांव में नहीं आया, पैसे ले लेके लोग चले जाते हैं, लेखपाल से लेके कानूनगो से लेके गांव में आते हैं, दबंगों द्वारा पैसा मिल जाता है, कोई कार्रवाई नहीं होती है, ना कोई आता है। आप इस मुद्दे को उठा रहे हैं, अगर आपके ऊपर कोई कार्रवाई की जाए या फिर आपको आप ऐसा बोल रहे हैं कि भूमाफिया, वो मुझे मंजूर है। जो भी कार्रवाई होगी, अगर मेरी बात असत्य होगी तो जो कार्रवाई होगी वो मुझे मंजूर है, और यही नहीं मेरी हत्या भी हो सकती है जो है। इसलिए मैं आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन करता हूँ कि मेरी सुरक्षा का भी ख्याल रखा जाए। इसके पहले भी मेरे साथ एक दुर्घटना घट गई है, जो कि मैं बार बार आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि मेरी सुरक्षा का भी आप ध्यान। भूमाफिया का मुद्दा आपने भूमाफिया जो एंटी रोक उसमें जाकर आपने बोला जी, उसमें दिया तो उसमें जो है एंटी भूमाफिया पोर्टल पे मैंने ऑनलाइन दिया, जिसमें कि उप जिलाधिकारी ने बोला तहसीलदार सकलडीहा जनपद चंदौली राजस्व एवं आपदा विभाग, जिसमें आदेश दे रहे हैं कि नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करें, प्रकरण की जांच तहसीलदार से कराई गई जांच, आख्या के अनुसार बात तहसीलदार न्यायालय 67A के तहत विचाराधीन है, जबकि गलत है। एक तरफ बोल रहे हैं कि विचाराधीन है और एक तरफ बोल रहे हैं कि बेदखली की कार्रवाई के बाद अतिक्रमणकर्ताओं को नहीं हटाया गया। ये है एंटी भूमाफिया का जो हमने दिया था उसका फोटो स्टेट, ये सब गड़बड़ है, जानबूझ के जो है कि गड़बड़ झाला किया जा रहा है, और पैसे लोग खा खा के मस्त हैं, और कुछ दलालों का भी मैं नाम बता सकता हूँ, और वो गुप्त में मैं नाम बताऊँगा। 5 दलाल हैं जो जिनके माध्यम से ज़मीन खरीद बिक्री किया गया है। आज के बाद कल मेरी हत्या भी हो सकती है, जिसका जिम्मेदार जिलाधिकारी वो पूरा चंदौली जिला के प्रशासनिक अधिकारी होंगे, और इसी बात से मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद, और इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मैं अपनी बात को समाप्त कर रहा हूं, और मेरी बात सरकार तक पहुंचाई जाए, और मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं।